Hello dear students, my name is Maulin Kadikar. I am chartered accountant and doctorate. Dear students, I am going to discuss with all of you CA final SFM examination paper of November 2023. I am going to cover a few points like this. सबसे पहले मैं ये discuss करूँगा that कौन से chapter में से कितने marks का examination में पूछा गया था. सेकेंडली, इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ये जो मेरा एनालिसिस है या ये जो मेरा बाइफर्गेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द मटेरियल दैट से आई हैव प्रिपेयर्ड एंड अकॉर्डिंगली ये पूरा का पूरा मैंने वीडियो तैयार किया है. सो लेट अस हैव सम डिस्कशन अबाउट द एग्जामिनेशन पेपर. क्वेश्चन नंबर 1A, सो दैट वाज से फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव. 1B, सो दैट वाज फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. जो एग्जामिनेशन का पेपर था उसमें मेरे हिसाब से, मैंने जो बाइफर्गेशन किया उस हिसाब से 24 मार्क्स का डेरिवेटिव से पूछा गया. ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस के कुछ कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव के भी होते हैं, पोर्टफोलियो भी के होते हैं. सो इट मे बी दैट्स अ फ्यू स्टूडेंट्स माइट हैव फेल्ट दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पोर्टफोलियो. हाउएवर, मेरे हिसाब से उसका जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो डेरिवेटिव का था, इसलिए मैंने इस हिसाब से इसका स्कैनिंग किया है. तो ये स्कैनर मैंने जिस हिसाब से मटेरियल प्रिपेयर किया है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, उस हिसाब से स्कैनर मैंने प्रिपेयर किया है. तो डेरिवेटिव में से 24 मार्क्स का मर्जर 18 मार्क्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 16 मार्क्स, फॉरेक्स भी 16 मार्क्स, सिक्योरिटी एनालिसिस सिक्योरिटी वैल्यूएशन 12 मार्क्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में से 10 मार्क्स, म्यूचुअल फंड 8 मार्क्स, थियोरी चैप्टर्स में से स्टार्टअप फाइनेंस में से 8 मार्क्स और बाकी के 3 थियोरी चैप्टर्स में से 4 मार्क्स का. दिस इज द वे सर एग्जामिनेशन पेपर वाज देयर. नाउ मैं आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज सभी डिस्कशन कर रहा हूं. दिस इज अगेन बेस्ड ऑन से माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाटएवर द डिस्कशन दैट आई हैव से विद माय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. जो क्वेश्चन नंबर 1A उन्होंने एग्जामिनेशन में पूछा था फ्रेंड्स, दैट क्वेश्चन वाज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन एंड सिमिलर टू दैट सो द क्वेश्चन दैट से वी कवर इन अवर डेरिवेटिव चैप्टर एज क्वेश्चन नंबर 21J, उसके रिलेटेड पूरा का पूरा क्वेश्चन था जिसमें हमको बीटा फाइंड करने का था, उसके बाद से हमको फ्यूचर्स प्राइस कैलकुलेट करने का था और हेजिंग के लिए से वी हैड टू मेक द कैलकुलेशन दैट से कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को हमें बेचना चाहिए इस वजह से क्योंकि हमारा लॉन्ग पोजीशन है, इसलिए हमको बेचने का है कॉन्ट्रैक्ट. बेसिकली एक पॉइंट जहां पे स्टूडेंट्स का शायद से गलती हो सकता है वो ये है कि उन्होंने फ्यूचर्स प्राइस क्वेश्चन में भी दे रखा है और थियोरिटिकल फ्यूचर्स प्राइस कैलकुलेट करने का भी बोला है. तो ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है जहां तक, कि जो कैलकुलेटेड थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस है उससे अगर आपने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का कैलकुलेशन किया है तो वैसा नहीं करने का है. जो फ्यूचर्स वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से हमको क्वेश्चन करने का है. द सेकेंड थिंग इज दैट से हमको यहाँ पे जो दो फ्यूचर्स वैल्यू निकालना है, इन दैट से एक फ्यूचर्स वैल्यू के लिए हमको ई फैक्टर डायरेक्टली दे रखा है और दूसरे के लिए हमको इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करने का था. So that was like question number 1A. Question number 1B says a question from the chapter of portfolio management. यहाँ पे से combination थे portfolio management के जो concepts है उसमें combination. यहाँ पे उन्होंने arbitrage pricing theory वाला concept examination में पूछा गया था. Along with that, so the return on the market portfolio वाला question भी हमको calculate करना था. So this is a combination of the questions that we do. Arbitrage pricing theory, ये वाला concept examination में frequently test नहीं होता है. So this is something से जो students के लिए थोड़ा सा surprising था मेरे हिसाब से. I think that say hardly for like 2 times say this concept is asked in examination. Question number 1C मेरे हिसाब से एक ऐसा question है जो examination में उन्होंने कई बार पूछा गया है. Not for once, but for multiple times. It is from the chapter of the securitization. That is, say a theory chapter. So, जिसमें से examination पूछा गया था, and it has been asked for multiple times earlier.
the hindrance, let's say what are the obstacles of the development of the securitization in Indian market. Next question, question number 2A, so that is a question from the chapter of derivative. ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसमें स्पॉट प्राइस ये रखा है, एक्सरसाइज प्राइस ये रखा है, यू अप प्राइस ये रखा है, डी डाउन प्राइस ये रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रखा है, ई फैक्टर दे रखा है. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट से आपको कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट करना है से यूजिंग बाइनोमियल मेथड एंड रिस्क न्यूट्रल मेथड. और पूछा है दैट से दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा क्या. बेसिकली फ्रेंड्स एज फार एज द बाइनोमियल मेथड इज कंसर्न इन दैट से हम लोग डेल्टा हेजिंग मेथड भी बता सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो शो सो द रेप्लिका पोर्टफोलियो मेथड. तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइनोमियल मेथड में से दे विल गिव द सजेस्टेड आंसर इन विच डेल्टा हेजिंग मेथड बताएंगे एंड रिस्क न्यूट्रल मेथड तो हमको दे ही रखा है क्वेश्चन में. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स रिस्क न्यूट्रल मेथड हैज बीन आस्क्ड बाय देम से फॉर मल्टीपल टाइम्स अर्लियर. उन्होंने काफी बार ये पूछा गया है. However, ये जो binomial method है, in that say delta hedging method या replica portfolio method, that is asked for the first time in examination. तो ये थोड़ा सा नया point था examination के basis से. Second वाले जो question है, in that say we are just required to give the answer that say कौन सा basis है based on which this valuation method is adopted. क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो that is दो prices ही लेते हैं, एक rate of interest ये market में. All these things are say, required to be mentioned. Question number 3A, that is say a question from, say 2B question, so that is a question from mutual fund. ऐसा examination में उन्होंने पहले भी ऐसे questions पूछे हैं. मेरे हिसाब से यहाँ पे same question ही है. The only thing is that say the presentation of the question is slightly different. Otherwise exactly same ही है. There is say nothing great in that. यहाँ पे उन्होंने NAV 0 और NAV 1 की जगह उन्होंने यहाँ पे हमको change in NAV दे रखा है, increase and decrease. But honestly friends, it is very similar to the questions that say we do in the classroom. मैंने यहाँ पे reference भी देखा है कि question number 2D जो होता है हमारा से उसके related ही ये question examination में पूछा गया है. Question number 2C में again theory question जिसमें उन्होंने बेसिकली दो क्वेश्चंस पूछे गए. बोथ ऑफ देम आर से कनेक्टेड विद द लाइक द चैप्टर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड एट द सेम टाइम से डेरिवेटिव उसके रिलेटेड ये एग्जामिनेशन पूछा गया. जो कन्वर्जन फैक्टर वाला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट से उसका प्रैक्टिकल बेस पर उन्होंने पूछा एंड दिस इज अ क्वेश्चन से विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है so that is a practical question that is say about the security valuation. Question number 3A जो मेरे हिसाब से right issue वाला question था, बहुत ही आसान question था, बहुत ही आसान. Hardly there is a possibility that say उसमें हमारा marks नहीं आएगा. तो very 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 simple question asked in examination. Question number 3B that is a question from foreign exchange risk management. वो उन्होंने examination पूछा था. This is, in my opinion, a good question. जिसमें उन्होंने यहाँ पे से derivative transactions में से call and put का combination वाले questions दिए थे. So not only call option, but that is not only put option, but उसके combination वाले उन्होंने example दिए थे. So in my opinion, this is a very good question. It is again the application of the concept that we study. This is what we have. जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो थियोरी क्वेश्चन है. सो दैट इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल पॉलिसी. वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था उन्होंने एग्जामिनेशन में. सो आई थिंक दैट से दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन इन माय ओपिनियन. क्वेश्चन नंबर 4A सो दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. इन माय ओपिनियन दिस इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. सिमिलर टू दिस से क्वेश्चन उन्होंने अपने मटीरियल में दे रखे हैं. हमने भी क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए हैं एंड इन माई ओपिनियन दैट से दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स से एज फार एज दीज क्वेश्चन आर कंसर्न. जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन.
जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो वाला क्वेश्चन जो है वो हमने क्लास में ऑलरेडी ऑफकोर्स कवर किया था, ऐसा नहीं था उसको कवर हमने नहीं किया था, बट एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स दैट से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने एग्जामिनेशन में इस पर पहली बार टेस्ट किया है। ये वाला जो क्वेश्चन है से उसका उन्होंने मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ थियोरी दिया है, मॉड्यूल में उसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं दे रखा है। ऑफकोर्स उसका एक प्रैक्टिकल उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर में दे रखा था, तो वो मॉक टेस्ट पेपर से हमने ये क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली सिंपल, इट इज अबाउट द CTD से चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। उसका कैलकुलेशन में इतना टाइम भी नहीं जाएगा, बट द ओनली थिंग इज दैट से आपको उस वक्त क्लिक होना चाहिए दैट से ये क्वेश्चन मेरे को अभी सॉल्व करने का है। तो दिस इज व्हाट से इन माय ओपिनियन, देखा क्वेश्चन अगर आपको याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है उसका आंसर, अदरवाइज लाइक वेरी लाइक यू माइट हैव स्किप्ड इट से इन योर लास्ट टाइम रिवीजन, दिस इज व्हाट से आई बिलीव। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उन्होंने काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा है रिस्क मैनेजमेंट का, अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें अगेन वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन क्लासरूम, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन हमने किए नहीं है। लाइक बेसिकली एक पर्टिकुलर डेट होता है जिसके लिए हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है और उसके बाद से उसका हम लोग कैंसलेशन करते हैं। उसमें जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है दैट से बिफोर द ड्यू डेट आप कैंसिल करो, फिर एक ऐसा होता है दैट से ऑन ड्यू डेट आप कैंसिल करो, और थर्ड वाला एग्जांपल ऐसा होता है कि आप बाद में से उसको कैंसिल करो। तो बाद में कैंसलेशन में बेसिकली 3 दिन का ही समय एज पर फेडाई रूल्स मिलता है, तो उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन भी मटेरियल में किया गया है। हाउएवर सरप्राइजिंगली यहाँ पे से हमारा जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा गया था उसमें हमको 20 जून का डेट दे रखा है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ द सरप्राइजिंग फैक्टर। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है दैट से 20 जून को लेके उन्होंने पूरा का पूरा सोल्यूशन वो लोग हमको देंगे, और एग्जामिनेशन भी मे बी मेरे हिसाब से ऑल ऑफ यू शुड हैव कैलकुलेटेड द आंसर यूजिंग द 20th डेट। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑटो कैंसलेशन जो होता है वो 3 दिन के बाद हो जाता है, पर यहाँ पे 3 दिन का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, देन इन दैट केस वी डोंट हैव एनी चॉइस बट से टू सिंपली फॉलो द इन्फॉर्मेशन विच दे हैव गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने एग्जामिनेशन में पूछा था, सो दैट वॉज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आई वुड से अगेन इट इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ऑनेस्टली फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन था एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी सिमिलर टू दैट ऑलमोस्ट सेम वाला क्वेश्चन उन्होंने एग्जामिनेशन दैट इज अपने मटेरियल में दे रखा है और हमने भी क्लास में उसको कवर अप किया था। स्टार्टअप फाइनेंस का नेक्स्ट थियोरी क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ थियोरी क्वेश्चन विच हैज बीन से विच हैव बीन टेस्टेड इन एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इंडिया स्कीम समझाने का था। बेसिकली क्वेश्चन को डायरेक्टली ना पूछते हो, उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसको पूछा था, दैट इज द ओनली थिंग जिसके लिए हम लोग रेगुलरली क्लास में ऐसा डिस्कशन करते ही है दैट से वी नीड टू बी केयरफुल दैट से वो लोग एग्जामिनेशन में ऐसा ट्विस्ट करके भी हमको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑनेस्टली इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा होता है कि सर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कंडीशन पूरा एटमोसफेयर अलग है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। हवेवर नॉट ओनली वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वी ऑलरेडी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन क्लासवर्क ओनली, क्लासवर्क में ही ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, मैंने उसी का रेफरेंसेस यहाँ पे दे रखा है। लेट्स से वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11F उसके साथ कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट आप उसको रिजेंबल कर पाओगे। इतना सिंपल क्वेश्चन उन्होंने एग्जामिनेशन पूछा गया था, अगेन 3 कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, बट जो एक कंपनी में करना है वही का वही बाकी के 2 कंपनी में करना है, देयर इज नथिंग ग्रेट इन दैट। ये जो 6B क्वेश्चन पूछा था वो मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन था, वी हैव डन सिमिलर टू दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली क्वेश्चन नंबर 16E, बट
वो जो क्वेश्चन हमने किया था उससे थोड़ा एक्सटेंड करके उन्होंने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था, वो जो पार्ट था उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन करके उन्होंने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था। सो आई वुड से दैट दिस इज अ लाइक वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स इट। तब आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन करके यू आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर, दैट इज व्हाट आई बिलीव। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 सी, दैट इज अबाउट द सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑनेस्टली। और ये जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया था, सो दैट इज द डील स्ट्रक्चरिंग, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द मॉड्यूल। तो दोनों चीज है। 6C वाला जो पहला क्वेश्चन था वो एग्जामिनेशन में पहले एक बार पूछ चुके थे, जो टेक्निकल एनालिसिस वाला पोर्शन है, और स्टार्टअप फाइनेंस वाला क्वेश्चन तो मॉड्यूल में ही दे रखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ द यील्ड स्ट्रक्चरिंग करके एक सेगमेंट है, उसके बारे में उन्होंने दे रखा है। तो दिस इज व्हाट्स द एग्जामिनेशन का पेपर जो था। ऑफकोर्स हमेशा ऐसा होता है दैट से ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कंडीशन यू मे बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू मे बी एबल टू क्रैक इवन द न्यू थिंग्स। इट मे हैपन दैट से थोड़े नहीं आते क्वेश्चन ऐसा देख के हम लोग थोड़ा डर भी जाते हैं, ऐसा मिक्स रहेगा। एंड ऑनेस्टली दिस इज अ काइंड ऑफ एनालिसिस विच आई एम प्रोवाइडिंग फॉर माई स्टूडेंट्स, स्पेशली जो लोगों ने अभी वीडियो लेक्चर्स लेके रखे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जस्ट आई वॉन्ट टू गिव ऑनेस्टली अ बूस्ट टू देम, दैट से जितना भी कवरेज हम लोग कर रहे हैं उतना करना जरूरी है, जितना भी कवरेज हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स उतना करना सही में जरूरी है। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियोरी का जो एग्जामिनेशन में इस बार क्वेश्चन पूछा था उसके मुश्किल से हम लोग 3 एग्जाम्पल करते होंगे, मुश्किल से 3 एग्जाम्पल। जो चीपेस्ट डिलीवर वाला क्वेश्चन था से उसका एक ही एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। फिर जो डीले इन द डिलीवरी था से उसके हम लोग अगेन 3 या 4 मैक्सिमम एग्जाम्पल्स करते हैं। सो वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट से जितना भी कवरेज हम लोग कर रहे हैं सो दैट वुड बी रियली सफिशिएंट फ्रॉम एग्जामिनेशन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी हैव टेकन एग्जामिनेशन दिस टाइम, एंड जो स्टूडेंट्स आगे क्या लाइक एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं दे कैन हैव अ काइंड ऑफ फीडबैक और दे कैन हैव अ पॉइंट इन देयर माइंड दैट मेरे हिसाब से ऐसा है दैट से द इंस्टीट्यूट विल ऑलवेज कीप अ स्कोप फॉर यू टू गेट एटलीस्ट 40 or 45 मार्क्स। 40-45 मार्क्स के क्वेश्चन कभी भी इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे कि जो आप लोग बिल्कुल ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो 40-45 मार्क्स आप लोग रीजनेबल प्रिपरेशन से डेफिनेटली स्कोर कर पाओगे। अगर आपका टारगेट सही में बहुत अच्छे मार्क्स का है देन इन दैट केस ऑफकोर्स से यू नीड टू हैव से एक्सीलेंट प्रिपरेशन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन फॉर स्टूडेंट्स हैविंग अटेम्प्ट आफ्टर नवंबर 23, एंड प्लीज डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।